अस्सलामु अलैकुम जी, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। फेरी मेडोज़ जैनवन, ये सारा मैं आगे बैठा हुआ हूँ, लेकिन आज की मेडिसिन हमारी मेडिसिन पे होगी। आज की वीडियो हमारी स्पीडोस्पर्मिया पे बड़ी बात हो रही है। ये जो वबा फैली है, इसमें अगर आप स्पीडोस्पर्मिया लें तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनेगी और आपको ऑक्सीजन नहीं लगानी पड़ेगी। जो वबा आज चल रही है आजकल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, तो ये बिल्कुल गलत है। शुरू में ही आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। वो एक सरदार जी इंडिया के थे, उन्होंने कोई मूवी बनाई कि जी ये वीडियो, ये आप स्पीडोस्पर्मिया मैंने इसको दे दी है। जब दी तब नहीं दिखाया उसने, तो और देखें पहले इसका ऑक्सीजन लेवल इतना था और अब इतना है, तो ऐसा नहीं है। लंग्स के लिए स्पीडोस्पर्मिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, लंग्स की, लंग्स को इम्प्रूव करती है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन एक और मेडिसिन है, हादसाती तौर पर उसका वजूद आया, उसकी दरियाफ्त हुई। अगर आप सुनेंगे, पहले मैं उसका नाम ही बता दूंगा, एंड में बताऊंगा वो बनती किससे है, वरना आप उसको लेना छोड़ देंगे। लेकिन जो अस्थमा के पेशेंट हैं, दमा के पेशेंट, और जिसका सांस का मसला है, वो ज़रूर वो मेडिसिन ले सकते हैं। और अभी भी ये जो वबा है, उसमें आपको अगर नई भी मेडिसिन अवेलेबल, तो अगर दिल पे हाथ रख के या कोई बुज़ुर्ग उसका अगर कहवा बना दे उस चीज़ का, तो वो उससे पेशेंट ठीक हो सकता है। दवाई का नाम है जी ब्लाटा ओरिएंटा, ब्लाटा ओरिएंटा नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। कोशिश करेंगे यहीं से आपको डाउनलोड कर दें, मिल जाए तो। अगर यहाँ से किया फिर लिखा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नेट ज़रा कम है। तो वो मेडिसिन किस तरह दरियाफ्त हुई, एक डॉक्टर ही थे और उसके असिस्टेंट थे, तो वो डॉक्टर ख़ुद एस्थमिक थे, उनको सांस का मसला था बहुत ज़्यादा, चाय का उनको शौक़ था। उन्होंने अपने मुलाजम से कहा जी चाय बना दे, तो मुलाजम गया, उसने चाय बनाई। जब चाय चाय रख के कहीं चला गया होगा, अब मैं पूरी तो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं था, जो लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। वो चला गया तो उस चाय में कॉकरोच थे, उस चाय में कॉकरोच थे, इंडियन कॉकरोच जी, पाकिस्तान में भी वो मिलते हैं, जो रेड कलर के, रेड और ब्राउन कलर के मिक्सचर वो थे। अच्छा, उस बेचारे ने डर के मारे कि शायद बॉस चाय मांग रहा है जल्दी, तो मैं जल्दी दे दूं, उसने वो चाय डाली और डॉक्टर को जाके दे दी। और डॉक्टर साहब की उस टाइम तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने वो मेडिसिन, वो चाय, सॉरी मेडिसिन नहीं, चाय वो पी ली, और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर की तबीयत बेहतरीन हो गई। उसने पूछा कि क्या बात है, क्या मसला है, क्या चाय में तुमने कुछ डाला है? उसने कहा नहीं जी कुछ नहीं डाला। तो बाद में सख्ती डा करने की वजह से दूसरा सारा कुछ जो भी उसने किया होगा, तो उसने कहा हाँ जी वो चाय के अंदर ना कॉकरोच डल गए थे, तो वो मैंने वैसे ही आपको पिला दी है। उसने बता दिया कि कॉकरोच है, था इसमें, तो मैंने आपके डर की वजह से नहीं निकाल सका। तो उसके लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी, हाँ मेरा दमा यानी मेरा सांस का मसला ठीक हो गया। तो उसके बाद उस दवाई, उसको कॉकरोच को उसमें, यानी उसको पीस के, पूरे का पूरा कॉकरोच उसको पीस के, उसके बाद उसको अल्कोहल में रखा जाता है, तो होम्योपैथिक दवाई एक बनाई जाती है ब्लाटा ओरिएंटा। ये दवाई जो है, ये दमे के पेशेंट्स के लिए या लंग्स के लिए स्पीडोस्पर्मिया से ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो आप आजकल के जो मसाइल हैं, अगर ये जो सांस का मसला हो रहा है, ऑक्सीजन कम हुई है या इस तरह है, तो आप ये दवाई दे सकते हैं, ठीक है। उससे वायरस नेगेटिव नहीं होने लगा, ये जहन में रखिएगा कि वायरस नेगेटिव नहीं होने लगा। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वैक्सीन से ना भागें, और आंखें ना बंद करें, ये ना हो कि, मास्क ज़रूर लगाएं, परहेज़ करें एक दूसरे से, ये ना हो कि यानी आपको भी हो जाए, इस तरह का काम, इस तरह की जहालत ना करें। लेकिन ये वाली दवाई स्पीडोस्पर्मिया से बेहतर है, ब्लाटा ओरिएंटा। वो जहाँ मैं आया हुआ हूँ तो पीछे खाना तैयार हो गया, तो इसलिए वीडियो कट के आपको शायद लगेगी। तो
अगर आप किसी गांव में हैं, दूर हैं, कोई सांस का प्रॉब्लम हो गया है, ब्लाटा ओरिएंटा नहीं मौजूद आपके पास, तो आप लोग इसी तरह कर सकते हैं कि उसका कहवा, कॉकरोच का कहवा बना के पेशेंट को पिला सकते हैं जो दमे का पेशेंट है। तो मेडिसिन में सब चीज़ अलाउड है, उसमें ये नहीं है कि ये नहीं लेना और ये नहीं। बहुत सी मेडिसिन ऐसी, जैसे सांप के जहर से मेडिसिन बनती है, और पौधे ऐसे हैं कई जहरीले उससे बनती है, आर्सेनिक का मेल्बम में सेंखिए से बनती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तो अगर ब्लाटा ओरिएंटा दवाई मौजूद नहीं है, तो आप कॉकरोच अगर मौजूद हैं तो उससे, अगर सांस का प्रॉब्लम किसी को हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ये अमल करें, उससे सांस बेहतर होनी शुरू हो जाएगी उसके। और ये बड़ी आजमूदा चीज़ है, आप ये ज़रूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नदीम सरोवर मेरा नाम, और मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए लोग हैं और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत साथ दिया। तो आज मैंने आपको एक डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मेडिसिन बताई है। मेरे व्लॉग्स भी आप देख रहे होंगे, देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।